नमस्कार, एमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार के इस विशेष संवाद लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित आपका कार्यक्रम संवाद, जहां हम पूछते हैं आपसे संबंधित सवाल जो सरोकार रखते हैं आपसे, जनता से, समाज से, और वो सवाल का जवाब देते हैं हम अपने बीच उपस्थित एक्सपर्ट्स के द्वारा। जी हाँ, आज इस चर्चा परिचर्चा का विषय है पेट एवं लिवर रोग संबंधित समस्या एवं उसके निदान, और इसका उपचार बताने हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर शेखर पुरी जी, जो मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शेखर पुरी जी, स्वागत है आपका हमारे इस संवाद कार्यक्रम में। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दर्शकों को दें। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर पुरी, एमडी डीएम गैस्ट्रो वाराणसी से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आपके इस हमारे इस कार्यक्रम में, जहां आप लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि पेट संबंधित और लिवर संबंधित कैसी समस्याएं हैं, किस तरह से उन्हें पहचानना चाहिए कि आपको लिवर या पेट संबंधित समस्या है, और आपके माध्यम से वो जानेंगे इसके उपचार, इसके इलाज के तरीके। डॉक्टर साहब, पहले मैं आता हूँ एक सबसे बड़ी जो इश्यूज होती है लोगों को, ये पहचानने की समस्या होती है कि उन्हें लिवर संबंधित या पेट संबंधित समस्या है, तो ऐसे क्या लक्षण आप बताएंगे हमारे दर्शकों को जिससे वो समझ सके कि उन्हें पेट या लिवर संबंधित समस्या है। देखिए, पेट और लिवर की जो समस्याएं हैं वो बहुत आजकल कॉमन है इस समय। उसके लक्षणों को हम दो हिस्सों में जनरली बांटते हैं। एक सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे पेट की समस्याओं में गैस बनना, एसिड बनना, जी मिचलाना, उल्टी होना, या फिर ये क्या कहते हैं कि किसी को भूख कम लगना। और कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, जैसे जॉन्डिस हो जाना, कभी कभी ब्लड की वॉमिटिंग हो जाना, डायरिया होने लगना, सीवियर पेन, दर्द होने लगना, वजन की कमी होने लगना। ये सबको आम लक्षण होते हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि पेट या लिवर की समस्या से व्यक्ति ग्रसित है। जी, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण आपने बताया, जिससे कि हमारे दर्शक देख के समझ सकते हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सके। हमारे बीच डॉक्टर साहब सवालों का सिलसिला जारी हो चुका है, ये सवाल लाइव आते हैं और आपसे लोग पूछते हैं, तो इसमें सबसे पहला सवाल हमारे बीच है पूनम शुक्ला जी का। इन्होंने पूछा कि फैटी लिवर है तो क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए अगर फैटी लिवर है, या क्या ऐसी चीज करना चाहिए? देखिए, फैटी लिवर के बारे में पहले तुम कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि बेसिकली फैटी लिवर होता क्या है। देखिए, फैटी लिवर क्या होता है, शरीर पे जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, जो हमारी बॉडी में होता है, जब ये लिवर पे डिपॉजिट होने लगता है तो इसी को हम लोग फैटी लिवर कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 100 में से 90 लोग फैटी लिवर को ग्रसित होंगे। ये आमतौर पे कोई बीमारी नहीं होती है, ये हमारी जीवन शैली की वजह से उत्पन्न हुई दिक्कत है जो करीब करीब सभी को होती है। फैटी लिवर होने के भी मेनली 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है जिनका शरीर फैटी होता है, यानी जिनको ओबिसिटी है, मोटापा है, उनके फैटी लिवर मिलेगा। सेकेंड चीज होती है जो बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, यानी घी, तेल का सामान, तला भुना सामान, ऐसे लोग को फैटी लिवर ज्यादा होता है। तीसरा, जिनको फैटी लिवर होने मतलब फैटी होने की बीमारियां जो मोटापा करती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जो चीज ओबिसिटी लाती है, ये अगर अनकंट्रोल चली तो ऐसे केस में हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है, और जब ये फैट बढ़ता है तो ये फैटी लिवर कराता है। अब फैटी लिवर को पहले हम लोग इवेलुएट करके देखते हैं कि पेशेंट को सही में कोई डैमेज हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोग LFT जांच कराते हैं, और एक अभी रिसेंटली फाइब्रोस्कैन नाम से जांच आई है जो कि ये बताता है कि लिवर में फैट की वजह से कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट का फाइब्रोस्कैन नॉर्मल होता है, बहुत विशेष नहीं बढ़ा होता है, तो मेनली लाइफ स्टाइल सुधार की जरूरत होती है, यानी हम अपने खान पान का परहेज रखें, फैटी चीज को अवॉइड करें, प्रोटीन की चीज ज्यादा दें, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट लें, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग वॉकिंग, कुछ जॉगिंग, कुछ योग, कुछ व्यायाम, जैसा उनको, कुछ जिम जाते हैं, जैसा जिनको सुविधा लगे। सेकेंड चीज, अगर फैटी लिवर बढ़ा हुआ आता है, यानी कि फाइब्रोस्कैन में स्कोर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, तो वो ये शो करता है कि आगे चल के फैटी लिवर आपका लिवर सिरोसिस, यानी लिवर में डैमेज कर सकता है। तो ऐसे केसेस में कुछ एक मेडिसिन हम लोग शुरू करते हैं जो उसमें हेल्प करती है। बट एक चीज हम हाईलाइट करना चाहेंगे, अभी तक फैटी लिवर की कोई डायरेक्ट एक्टिंग मेडिसिन नहीं बनी है। कुछ एक मेडिसिन है जो एज ए सप्लीमेंट हम लोग यूज करते हैं, बट डायरेक्टली फैटी लिवर के इलाज के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। तो फैटी लिवर का मुख्य एक ही इलाज है, फैट को रिड्यूस करना, और वो कैसे होगा, बाय डाइट एंड बाय एक्सरसाइज। अब हम डाइट पे आते हैं, जैसा कि क्वेश्चन उन्होंने पूछा था।
देखिए डाइट में सिंपल फैटी चीज अवॉइड करनी है, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, मीठा हो गया, चीनी हो गई, ये चीज मोटापा लाता है, इसको कम करें। हम एकदम मना नहीं कर रहे हैं बट कम करें। दूध पीते हैं, मलाई हटा के पिए, एग लेते हैं, अंडा खाते हैं, पीला वाला हिस्सा हटा के खाएं। खाने में फ्रूट्स हो गया, सैलड्स हो गया, हरी सब्जी हो गई, ये सब ऐसी चीज होती है जिसमें मिनिमम कैलोरी होती है, यानी आप इसको ज्यादा मात्रा में भी खाएंगे तो आपका वजन कम से कम बढ़ेगा, प्लस आपका पेट भी बढ़ेगा, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो इसका सेवन ज्यादा करें, फैटी चीज को अवॉइड करें। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। कि पहले तो आपने बताया कि पहचान क्या है, उसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा आपने जो निराकरण का जो एक स्टेप बताया, मुझे लगता है कि 90% जैसे आपने बताया कि लोग इससे ग्रसित हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका है। बिल्कुल, फैटी लीवर क्या होता है, बस ऐसे समझिए जैसे किसी की कमर 32 होती है, किसी की 36, किसी की 40 होती है। अब ये क्या होता है, ये फैटी डिपॉजिट है। जब बॉडी में आपका फैट बढ़ेगा, यही लीवर में जमा हो जाएगा, लीवर की साइज बढ़ जाएगी, जो आमतौर पर हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। कई मरीज आते हैं कि हमारे लीवर की साइज बढ़ गई। अब अगर किसी की कमर, किसी का फैट बढ़ गया हो, तो उसके लिए कौन सी दवाई आती? कोई दवाई नहीं आती। आप डाइट से कंट्रोल करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, जस्ट लाइक वही फैटी लीवर का मेन इलाज है। तो उतना तो सभी के ही रहता है। लेकिन एक हम लोग सलाह देते हैं कि अगर पेशेंट्स आ रहे हैं, एक फाइब्रोस्कैन करा के देखें, ये दिक्कत तो नहीं है। और सेकंड, अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, आपको बीपी, शुगर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको जरूर से कंट्रोल रखें। ये दो चीज आगे दिक्कत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके इस सुझाव से हमारे दर्शक को लाभ मिला भी होगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है अमित कनौजिया जी। इन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, 3 बार इन्हें बार बार जॉन पीलिया की समस्या हुई है, बार बार होती है, क्यों, और इसकी दवा करने के बावजूद भी बढ़ता चला जाता है, तो क्या कारण है? हाँ, तो इनके ये मतलब समझना चाहते हैं कि जॉन्डिस बार बार इनको हो रहा है, तो कैसे इनको कंट्रोल करें? बार बार क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखना होगा कि जॉन्डिस किसी बीमारी की वजह से हो रहा है या कोई और सिंड्रोमिक डायग्नोसिस है। तो उसके लिए तो पहले हम लोग जांच करके देखते हैं। रिकरेंट पीलिया होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक होता है, कभी कभी स्टोन होता है स्मॉल, जो कि बाइल डक्ट, पित्त की नली में फंस जाता है, तो पीलिया कर सकता है। सेकेंड होता है, आपको वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। थर्ड, कभी कभी क्या होता है कि जिनको ज्यादा फैटी लीवर होता है, कभी कभी उनका भी बिलिरुबिन बढ़ने लगता है। और चौथा, एक गिल्बर्ट सिंड्रोम नाम से बीमारी होती है, जो कि हमारे उत्तर भारत में बहुत कॉमन है। कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं कि उनको जॉन्डिस हो रहा है, तो वो गिल्बर्ट सिंड्रोम से हम लोग पता करते हैं कि गिल्बर्ट सिंड्रोम तो। अगर किसी को गिल्बर्ट सिंड्रोम आता है, तो ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक जेनेटिक बीमारी है। इससे शरीर पे या लिवर पे कोई हानि नहीं होने वाली है, ये तो आपके संग उम्र भर रहेगी। तो बिना जांच कराए ऐसे बताना तो थोड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्टली पीलिया बार बार किस वजह से हो रहा है, तो एक बार जांच करा के ही देखना होगा। लेकिन जो कुछ कारण है जो हम लोग आमतौर पर देखते हैं, वो यही निम्न कारण। अमित जी, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि इतने सारे प्रकार हैं, उस प्रकार को जांचने के लिए आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर साहब से एक बार कंसल्ट करें अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, तो डॉक्टर साहब उसकी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, एक आपने टर्म यूज किया वायरल हेपेटाइटिस, ये बड़ा कॉमन सा भी है, लेकिन लोगों के में बड़ा भ्रम और भय का भी स्थिति पैदा करता है। ये वायरल हेपेटाइटिस है क्या चीज? देखिए, पहले तो हेपेटाइटिस बताना चाहेंगे। हेपेटाइटिस जो होता है, ये लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है। आम भाषा में बोले तो इसको लिवर में स्वेलिंग कहते हैं, सूजन आ जाना। हेपेटाइटिस लिवर में सूजन आने के कई कारण होते हैं। मुख्य कारण होता है अत्यधिक मात्रा में शराब पीना। सेकेंड रीजन होता है वायरस का इन्फेक्शन हो जाना। थर्ड रीजन होता है कभी कभी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। और फोर्थ रीजन, कभी कभी ड्यू टू एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा बढ़े हुए फैटी लिवर की वजह से भी हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस जो होते हैं, ये एक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि लिवर को इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसमें उसमें सूजन आती है। ये 4 तरीके के वायरस जनरली हम लोग के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है। ये खून के संपर्क से फैलता है और ये आगे चल के आपको जनरली दिक्कत कर सकता है। ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बदल सकता है, जो कि लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, और कभी कभी आपको लंबे समय तक हेपेटाइटिस की दवा खानी पड़ सकती है। सेकेंड जो वायरस होते हैं, वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है। ये जनरली हमारे खाने पीने की गंदगी से फैलता है। जो बचपन में एक आम पीलिया हमको, आपको सबको एक बार हुआ है, ये हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है, जो कि खान पान की साफ सफाई या पानी की साफ सफाई ना होने की वजह से होता है। इसकी अपनी कोई दवा नहीं आती है, ये जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है, धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाता है। कभी कभी 15 से 20 दिन का समय लगता है, उसमें इसकी कोई खास दवा भी नहीं आती है। हम लोग
सिम्टोमेटिक उपचार करते हैं, जो व्यक्ति को लक्षण हो रहा है उसको देते हैं, लिक्विड डाइट ज्यादा लेने को बोलते हैं और बेटर रेस्ट के लिए बोलते हैं, धीरे धीरे ये निकल जाता है। तो वायरल हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए जनरली अगर ए और ई है तो हमें खान पान का परहेज करना है, साफ सफाई रखनी है, और हेपेटाइटिस बी सी में जो खून के संपर्क होते हैं, जैसे बिना टेस्ट करा खून हो गया, बिना जांचे हुए या इस्तेमाल करी हुई दोबारा सुई हो गई, इसके इस्तेमाल से हमको बचना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने हेपेटाइटिस के चारों प्रकार को बताते हुए कि किस तरह से उनका क्योर कर सकते हैं और कैसे जांच कर सकते हैं। अगला सवाल, चूंकि सवालों का सिलसिला मैं अपने प्रश्न पूछ नहीं पा रहा हूँ लेकिन सवालों का सिलसिला जारी है, तो इसमें अगला सवाल है कि अशोक दुबे जी हैं, इन्होंने पूछा कि इसका टीका लगा लिया है, अब कोई खतरा, यानी इन्होंने हेपेटाइटिस का टीका लगा लिया है, इनकी उम्र 60 साल है, तो ये पूछना चाहते हैं कि इसके कोई कोई खतरा आगे, यानी कोई टीका वगैरह लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ती या इससे कोई और अवेयर रहने की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए जनरली अभी तक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी इसी का टीका बना है, हेपेटाइटिस का भी सी का टीका बना नहीं है और ई का टीका अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, अभी मार्केट में नहीं आया, अभी इस पर रिसर्च ही हो रही है। जनरली एक बार हेपेटाइटिस बी के हम लोग के 3 टीके की डोज लगती है, अगर आपको 3 टीके की डोज लग चुकी है तो इंडिया में उसकी जो एफिकेसी है वो 10 साल तक रहती है, 10 साल के बाद एक बूस्टर डोज हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं। हेपेटाइटिस ए का जो टीका है वो जनरली हम लोग रेगुलर एडवाइस नहीं करते हैं, हेपेटाइटिस का ए का टीका तो आजकल बच्चों में भी लगने लगा है, तो जो ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ खान पान की समस्या है, वहाँ हेपेटाइटिस ए का टीका लाभकारी होता है। तो रेगुलर बेसिस पे हेपेटाइटिस बी का टीका ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक गंभीर बीमारी आगे बन सकती है जो कि लिवर को खराब करे, तो हेपेटाइटिस बी का टीका हम लोग रिकमेंड करते हैं, खासकर उन व्यक्ति को जिनके घर परिवार में कोई हेपेटाइटिस बी का रोगी हो, तो उससे किसी और घर में लोगों को संक्रमण ना फैले उनको जरूर से हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेना चाहिए और हर 10 साल पे एक बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। यानी हेपेटाइटिस का टीका लगवाएं, उसके साथ साथ बूस्टर का भी ख्याल रखें, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है। अगला सवाल डॉक्टर साहब डीके राव जी हैं, इन्होंने फैटी लीवर के बारे में पूछा है, इसके बाद है आदित्य जी, सुमन जी, इन सब ने फैटी लीवर के बारे में ही पूछा, तो मैं दर्शकों से बता देना चाहूंगा कि इस संबंध में डॉक्टर साहब ने अभी कुछ देर पहले ही बताया है, तो आप वीडियो समाप्त होने के बाद AMS न्यूज प्लस आवाज समाचार एवं तमाम हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप डॉक्टर साहब की वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने जैसा भी इस्तेमाल किया कि अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के संबंध में, तो क्या फैटी लीवर के अलावा अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक क्या जेनेटिकल आगे बढ़ रहे हैं, नॉन अल्कोहलिक के इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है इसके? देखिए इस पे एक चीज का हम प्रकाश डालना चाहेंगे, बेसिकली आज से 10 साल पहले जनरली हमारे इंडिया में लिवर की खराबी होने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं, पहला होता है अल्कोहल लेना, सेकंड होता है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस से संक्रमित हो जाना, और थर्ड होता है ड्यू टू फैटी लिवर। आज से 10-15 साल पहले वैक्सीन इतना लोग हेपेटाइटिस बी की नहीं लगाते थे, ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितना अब हो गई है, प्लस लोगों में इंटरनेट प्रचार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अल्कोहल में भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, तो एक टाइम में इंडिया में अल्कोहल और हेपेटाइटिस फर्स्ट कॉज थे लिवर खराब करने की, अब जो फर्स्ट कॉज है वो फैटी लिवर है, जिससे हम लोग को लिवर की खराबी होने के सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, ये रिसेंट अभी चेंज आया है। इसका मुख्य कारण क्या है, पहली चीज लोगों की जो जीवन शैली हो गई है उसमें काफी बदलाव आ गया, हम लोग को इतना काम का बोझ रहता है कि समय से हमारा खान पान नहीं हो पाता है, हम लोग इंस्टेंट फूड जो होते हैं जो तत्कालिक तुरंत मिल जाए, खासकर बड़े शहरों में जो दिल्ली मुंबई है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उसका सेवन ज्यादा बढ़ गया है। थर्ड, हम लोग के काम काज की वजह से जो पहले की लाइफ स्टाइल रूटीन्स है, जो हम लोग को एक समय मिलता था रेगुलर एक्सरसाइज करने का, रिलैक्स होने का, वो बहुत कम हो गया। फोर्थ, एक्सेसिव यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहले आदमी साइकिल से, गाड़ी से, पैदल काफी चलता था, अब इस समय हम लोग गाड़ी का उपयोग भी बहुत छोटे छोटे कामों के लिए भी करने लगे हैं, तो हमारा जो एक एक्टिविटी है वो घर में ही सिमट के रह गई है, हम लोग जितना घर में चल पाते हैं मेन उतना ही चल पाते हैं, बाकी फिर ऑफिस में बैठना होता है या फिर हम लोग रेगुलर यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो अपनी व्हीकल को इस्तेमाल करते हैं। और पांचवी चीज हो गई है, जिस तरह से डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इंडिया में रेस कर रहा है, इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस इंडिया में आपको मिल रहे हैं,
तो एक ये भी कारण है जो फैटी लिवर को आगे बहुत पोटेंशिएट कर रहा है और आगे चल के ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम आते हैं अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज पे, जैसा कि आपने पूछा कि शराब की वजह से जो होता है। देखिए अल्कोहल में हम दो चीज बताना चाहेंगे, अल्कोहल पीने से दो तरह से लिवर की खराबी होती है। एक तो अल्कोहल के अंदर से खुद जो टॉक्सिन एसिटाल्डिहाइड पैदा होता है वो लिवर को खराब करता है। सेकंड, अल्कोहल की वजह से भी फैट इंक्रीज करता है और वो भी लिवर में फैटी लिवर करता है। तो फैटी लिवर का जो बीमारी होती है जिसको हम लोग NAFLD बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक्चुअली अभी जो रिसेंट कंसेंसस है जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल सोसाइटीज में है वो इस टर्म को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि NAFLD उनमें होता है जो शराब नहीं पीते। जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है, बिकॉज अल्कोहल में भी बहुत कैलोरी होती है, तो ये भी काफी मोटापा लाता है। तो एक तो अल्कोहल से डायरेक्ट इंजरी होती है और सेकंड अल्कोहल फैटी लिवर जिनको है उनको भी और आगे बढ़ाता है, तो अल्कोहल इस तरह से दिक्कत करता है। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, और चूंकि आपने कई सारे इंटरनेशनल रिसर्च भी आपके पब्लिश भी हुए हैं, तो मुझे लगता है जैसे आपने सुझाव भी दिया है और इस पर कार्य भी चल भी रहा है कि आपने बताया कि NAFLD और अल्कोहलिक को अब कहीं कैटेगराइज नहीं करके अब उसको एक करने का पूरा प्रयास है। अगला सवाल आपके इस लाइव सेशन में सवाल ज्यादा है डॉक्टर साहब, और हम पूछना चाहेंगे आपसे, ये आपकी लोकप्रियता का असर होगा, आपके पेशेंट्स ट्रीटमेंट का असर होगा। अगला सवाल है शायस्ता परवीन जी का, इन्होंने पूछा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है और एसिडिटी बहुत होती है, पेन भी होता है पेट में, तो इनका सवाल का जवाब जी। देखिए पहले इसको दो हिस्सों में बताना चाहेंगे। पहले तो एसिडिटी पे आते हैं। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि पेट में एसिड जिसको हम लोग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं, ये नॉर्मल तो सभी के बनता है, बिकॉज ये डाइजेशन के लिए पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम वहां पड़ती है जब ये ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। पेट में पित्त बनने के यानी एसिड बनने के मुख्यतः तीन चार कारण होते हैं। पहला रीजन होता है जो लोग नशा करते हैं जैसे शराब सिगरेट पीते हैं। सेकेंड होता है कभी कभी बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर, दर्द की गोली हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, इन सब की वजह से हो सकता है। थर्ड रीजन होता है हमारे खान पान से संबंधित, जैसे समय से ना खाना, हड़बड़ी में खाना, चबा के ना खाना, कई चक्कर चाय कॉफी, तला भुना मिर्च मसाला, स्पाइसी मील का सेवन ज्यादा करना, और एक फोर्थ रीजन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, घबराहट, अनिद्रा, अनियमित दिनचर्या, इरेगुलर रूटीन का होना, इस डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल होना। तो मोटे मोटे यही तीन चार कारण होते हैं जिनसे हमारे पेट में एसिड ज्यादा बनता है। और जब पेट में एसिड बनता है तो जलन होना, जो हम खाना खाते हैं ये उसको सड़ाता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं, जिससे गैस बनना, पेट फूलना, बार बार डकार आना, अपच टाइप की शिकायत हो जाना, ये सब दिक्कतें होने लगती हैं। सेकंड हम आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे जो उन्होंने पूछा। देखिए मुख्यतः कब्ज होने के भी तीन चार कारण होते हैं। पहला कारण होता है पानी की कमी होना, लिक्विड चीज कम देना। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है कि शरीर को एक निश्चित मात्रा की पानी की जरूरत होती है। अगर शरीर को हम उस हिसाब से पानी नहीं देते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन में जो मल बन रहा होता है उसमें से शरीर पानी सोखता है, और वो जितना पानी सोखेगा उतना मल हमारा हार्ड हो जाता है और लैट्रिन करने में समस्या होती है। तो पहली चीज पानी की कमी नहीं होने देना, वाटर इंटेक आपका अच्छा रहे। सेकेंड चीज होता है फिजिकल इनएक्टिविटी, जिनका चलना फिरना कम होता है, जिनका बैठे रहने का काम ज्यादा है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ऐसे जब हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, तो हमारे आंतों को भी गति मिलती है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा होता है। जब इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा होता है तो मोशन भी आपको क्लियर टाइप से होगा। दूसरा कारण होता है फिजिकल इनएक्टिविटी, काम काज न करना, बैठे रहना, रेगुलर एक्सरसाइज न करना, टहलना नहीं। तीसरा कारण हमारा होता है खान पान से संबंधित। जनरली हम लोग कहते हैं कि जो हाई फाइबर फूड होते हैं, हाई फाइबर फूड मतलब रेशा युक्त पदार्थ, जैसे मल्टीग्रेन आटा हो गया, अंकुरित चना हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गई, दूध कॉर्नफ्लेक्स हो गया, इस समय गर्मी का सीजन है, आपके फल हो गए जैसे कि आपका बेल हो गया, पपीता हो गया, या फिर खाने में अच्छी मात्रा में सलाद हो गया, प्याज है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इसका सेवन ज्यादा करें। कुछ चीजें पेट बांधती हैं जैसे मैदा हो गया, बेसन हो गया, भुना चना हो गया, बैगन हो गया, ये सारी चीजें बाधी करती हैं। तो खान तीसरा कारण होता है खान पान से रिलेटेड। और चौथा सबसे रेयर कारण होता है आंत में कोई बीमारी होना, यानी अंदर से आपको ऐसी कोई खान पान से रिलेटेड दिक्कत नहीं, लेकिन आपके आंत में रुकावट आ गई है, कोई गांठ बन गई हो, कोई पॉलिप बन गया हो, कोई रास्ते में सिकुड़न आ गई हो,
जिसकी वजह से लैट्रिन बंद तो रही है, मोशन हो तो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से इवैक्यूएट मतलब हो नहीं पा रहा किसी रुकावट की वजह से। तो चारों कारण में से अगर देखा जाए तो शुरू के तीन कारण हमारे लाइफ स्टाइल जीवन शैली की वजह से, हम पानी खूब पिए, लिक्विड चीज का सेवन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, खाने में हाई फाइबर फूड लें, और अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा तब फिर हमको देखना चाहिए कि कोई बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा, कि अंदर आंतों में कोई डिजीज हो गई, इस वजह से सब चीज। वेल एक्सप्लेन डॉक्टर साहब, और इतना आपने जानकारी दी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका संदेश ये भी है कि फूड एंड लाइफस्टाइल अपनी एक लोगों को सुधारनी चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे कि हमारा जो गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट है बेसिकली ये बाकी डिपार्टमेंटों से बहुत अलग है। जैसे आप किसी हार्ट के डॉक्टर के पास, आप किडनी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, एक डिजीज लेके आप जाएंगे। हमारे पास आने वाले 70 से 80% जो रुकी हैं ये खान पान, रहन सहन, आदत, इनकी समस्या से ज्यादा ग्रसित होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जनरली बीमारी बहुत कम मिलती है, जो मिलती है खैर वो तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जनरली कम मिलती है। तो काफी समस्या हम लोग अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, अपने फूड से, अपने काफी जो व्यायाम करके ही काफी हद तक हम पेट की समस्या, लिवर की समस्या को सुधार सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। एक मुकेश कुमार जी हैं, इनका उम्र 53 साल है। इन्होंने लिखा कि ही हैज सफरिंग फ्रॉम लास्ट सिंस 3 इयर्स लिवर सिरोसिस, इन्हें लिवर सिरोसिस की समस्या है, एंड इनको एडवाइस चाहिए कि क्या लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है या कहाँ कराएं। इनका पूछना है कि कहाँ कराना चाहिए, 3 साल से ये लिवर सिरोसिस की समस्या से। लिवर सिरोसिस भी सर एक बार थोड़ा सा उसके बारे में एक एक्सप्लेन करिएगा जी। बिल्कुल, देखिए लिवर सिरोसिस के बारे में शुरू से एक बार बताना चाहेंगे। बेसिकली लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर में गांठें बनने लगती हैं और लिवर सिकुड़ने लगता है, यानी एक तरह से हम कहें लिवर में डैमेज आने लगता है। जब भी लिवर में डैमेज आता है तो शरीर में 5-6 प्रकार की दिक्कतें होती हैं, जैसे आदमी बेहोशी की हालत में जा सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है, खाने की जो हमारी नली होती है उसकी नसें फट जाती हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, पेट में पानी भरता है, तिल्ली बढ़ जाती है, या किडनी की समस्या आ सकती है। लिवर सिरोसिस होने के जैसे हमने पहले भी आपको बताया, मुख्यतः हमारे एरिया में 3 ही कारण सबसे प्रमुख होते हैं। पहला शराब पीना होता है, दूसरा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस की समस्या होती है, या तीसरा फैटी लिवर की वजह से हो सकता है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लिवर सिरोसिस होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जो हमने आपको उपरोक्त दिक्कतें बताई, अगर इसमें से आपको कोई भी एक दो चीज डेवलप कर गई है तो लिवर में हमारे अच्छे खासा डैमेज ऑलरेडी आ चुका है, अराउंड 60-65% लिवर आपका डैमेज हो चुका। अब हम आते हैं लिवर सिरोसिस के इलाज में, इसको कैसे हम ठीक करें या कैसे हम इसका इलाज करें। देखिए लिवर सिरोसिस का जनरली 2 तरह से इलाज होता है। अगर हम लोग ये कहें कि लिवर पूरी तरह से कैसे सही हो सकता है, हम इस चीज से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो उसका तो एक ही इलाज होता है, लिवर ट्रांसप्लांट। बिकॉज जब तक लिवर जो खराब है उसकी बदली नहीं करी जाएगी तब तक पूरी तरह से तो रिलीफ नहीं मिले। लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है जनरली अभी तक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही हो रहा था, ऑफ कोर्स बड़े शहर्स में हो रहा था, दिल्ली मुंबई आपकी सब जगह। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट्स में एक तो आपका सीएमसी वेल्लोर चेन्नई में स्टार्ट करा गया था, और केजीएमसी में भी अभी 4 लिवर ट्रांसप्लांट करे गए थे जो काफी सक्सेसफुल थे, बट अभी ड्यू टू कोविड वो 1-1.5 साल से तो अभी उस पर रुक गया है, भी आगे नहीं चल रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो आज से 10 साल पहले उतना नहीं था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट हो गया, बिकॉज न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, नए नए इंटरवेंशंस आ रहे हैं, तो अब आपका अच्छा सक्सेस रेट होता है। प्रॉब्लम जो पड़ती है वो लोगों को 2 वजह से पड़ती है, एक थोड़ी आर्थिक दिक्कत होती है बिकॉज लिवर ट्रांसप्लांट काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है, और सेकेंड रीजन जो होता है आपका वो एक डोनर की ज़रूरत होती है। जनरली 2 तरह से मतलब 2 तरह के डोनर होते हैं, एक लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है जिसमें एक जिंदा व्यक्ति अपने जो जिनको लिवर की समस्या है उनको अपना आधा लिवर, करीब 40-50% लिवर हम लोग डोनरों को देना पड़ता है। और सेकंड होता है डेड डोनर रिजल्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। डेड डोनर का मतलब होता है जैसे कभी कभी कोई बॉडी आ गई जो अनक्लेम्ड है, या किसी ने अपना अंग दान किया तो फिर उनका किया जाता है। तो ये जनरली आपके बड़े शहर्स में मेट्रोज में ही होगा, कैपिटल सिटी दिल्ली मुंबई में होगा, और एक डोनर की आपको नीड पड़ेगी, और इसके अलावा थोड़ा कॉस्टली होता है, बट सक्सेस रेट इंडिया में अब काफी अच्छा जा रहा है। जी, आपके सवालों का मुझे लगता है जवाब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे माध्यम से दिया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है
आप अगर कराने के डॉक्टर ने आपको कहा है तो आप निश्चित तौर पे करा सकते हैं मेट्रो सिटीज वगैरह में भी, जहां भी आपको उचित लगे। अगला सवाल है डॉक्टर साहब अनिल कुमार शुक्ला जी, इन्होंने पूछा है कि सर गर्म पानी पानी ही हम गर्म पानी ही हमेशा पीना लाभदायक है या हानिकारक, यानी पानी हमेशा अगर दिन भर गर्म पिए तो वो ठीक रहता है या गड़बड़ है? बिल्कुल, देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल गर्म पानी ही हमेशा पीना चाहिए। गर्म पानी जो होता है आप दिन में एक से अगर दो बार पी रहे हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है, लेकिन प्रतिदिन या हमेशा गर्म पानी पीने का कोई अतिरिक्त लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो कोई अतिरिक्त लाभ आपको मिलता है, बेहतर हम लोग कहते हैं कि सुबह के समय उठें और उस समय गर्म पानी पिए तो आपको ज्यादा बेहतर होता है, दिन भर गैस बनने की समस्या भी कम हो जाती है और आदमी का पेट भी साफ हो जाता है, मोशन भी क्लियर होता है। हाँ, एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे, जिनको अगर मोटापे की थोड़ी समस्या हो या फैटी लिवर की समस्या हो तो सुबह हल्के से गर्म पानी, गुनगुने पानी में आप कुछ बूंद नींबू का डाल के, 4 से 5 बूंद नींबू, इतना बहुत होता है, इतना डाल के आप पिए। ये भी एक तरह से फैट को कम करता है, फैट को काटता है। ज्यादा मात्रा में नींबू इसलिए नहीं बोलना है कि सुबह सुबह बहुत नींबू पानी पीने से कभी कभी कुछ लोग को एसिडिटी बनने लगती है, बिकॉज उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ये एसिड बना सकता है। तो पूरा नींबू निचोड़ के नहीं लेना है, आप कुछ बूंद नींबू का गुनगुने पानी भी डाल के सुबह के समय पिए, इतना आपके लिए बहुत है। बाकी दिन भर में आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनिल शुक्ला जी, हमेशा गर्म पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, ठंडा भी रहे अपने आप को, दिमाग भी ठंडा रखें। सुबह सुबह जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हल्का नींबू इस्तेमाल करके अगर लीवर की समस्या है, फैटी लीवर की समस्या है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर साहब अमित सिंह जी का, इन्होंने पूछा है हेपेटाइटिस बी की अगर वैक्सीन कोई नहीं लगवाया है तो किस एज तक में लगवाया जा सकता है, कोई एज लिमिट होती है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाने की कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी उम्र के हो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत जी। यानी आपको हेपेटाइटिस बी का अगर लगवाना है तो एज की कोई लिमिट, कोई बार नहीं है, किसी भी समय कभी भी आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब इस समय एक बड़ा समस्या एक और निकल के आ रहा है, गाल ब्लैडर कैंसर्स का, बहुत सारे तमाम कैंसर इंस्टीट्यूट में, बनारस में भी और जगह देखें तो गाल ब्लैडर कैंसर्स के इश्यूज बहुत रेज हो रहे हैं, इस पर आपका क्या 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 नजरिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गॉल ब्लैडर कैंसर के जो केसेस हैं, खासकर जैसे जो हम लोग स्टडी करे हैं और जो रिसर्च में भी आगे सामने आया है इंडिया में, ये जो हमारा इंडोगैंजेटिक प्लेन है, ये हम लोग का जो तराई इलाका है यूपी बिहार झारखंड राजस्थान का, ऐसे यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर होने के कई कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो पित्त की थैली में पथरी होना होता है। अगर कई सारी पथरी हैं, बड़े साइज की हैं, लंबे समय सकते हैं, तो एक संभावना हो सकती है कि आपको आगे चल के गॉल ब्लैडर कैंसर में वो हो जाए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या होती है कि जैसे रेगुलर चेकअप जो होता है आदमी का, जैसे अब लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है, लोग अपना साल में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, LFT ये सब जाँच कराते हैं। हम एक सलाह देंगे कि जब आप ये सब जाँच कराते हैं तो एक अल्ट्रासाउंड भी अपना करा लिया करिए, साल में एक बार तो करा ही सकते हैं। होता क्या है कि अगर एक बार गॉल ब्लैडर कैंसर में आपको जॉन्डिस बन गया तो वो कैंसर फिर स्प्रेड कर चुका होता है। डॉक्टर साहब के कुछ नेटवर्क के इश्यूज हैं और जी अगर कुछ जी। अगर इनिशियल स्टेज में आपका कैंसर है तो फिर इसके लिए आपका ऑपरेशन करके इलाज ज्यादा संभव होता है। तो शुरुआती जो है हमें सतर्कता बरतनी जरूरी होती है, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहे, काफी हद तक उससे केसेस क्लियर हो जाते हैं। और खासकर आइडेंटिफिकेशन, जी 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 हां बिल्कुल, वो बहुत मस्ट है आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर में बहुत कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का रोल नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में ऑपरेटिव थेरेपी होती है कि हम ऑपरेशन करके उस चीज को हटा सकते हैं, बट अगर एक बार ये स्प्रेड कर गया है तो फिर आगे बहुत ट्रीटमेंट नहीं होता जी। अगला सवाल है डॉक्टर साहब की, विशेष जी हैं शुक्ला जी, इन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट एग्स, वी शुड ईट एग्स इन द प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि पेट संबंधित प्रॉब्लम या इनका थोड़ा सवाल क्लियर नहीं है। इनका पूछना है कि प्रोटीन क्या ले सकते हैं एग्स, फैटी लीवर हो या लीवर की समस्या हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आप एग्स ले सकते हैं, प्रोटीन इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट थिंग, मेनली हमको फैट को अवॉइड करना है। जैसे आप एग अगर लेते हैं तो आपका जो येलो वाला पोर्शन है जिसमें फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड होता है, आप उसको हटा के जो एग वाइट होता है, प्रोटीन होता है, आप उसको ले सकते हैं। बेसिकली
देखिए हमको अगर जैसे जैसे कई यंग एज के लड़के हम लोग के पास आते हैं जो उनको आगे चल के शरीर बनाना होता है, करना होता है, तो बेसिकली हमको शरीर पे फैट लगाना, फैट नेचर भी नहीं बढ़ानी है, हमको प्रोटीन मांसपेशी बढ़ानी है। तो प्रोटीन युक्त चीजें हो गई, जैसे आपकी पल्सेस हो गई, दालें हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, छेना हो गया, एग हो गया, या फिर नॉन वेज में फिश हो गया, मीट हो गया, आप इसको ले सकते हैं। जो फैटी चीज होती है उसको हमको अवॉइड करना होता है ताकि चर्बी शरीर पे ना, मास बढ़े यानी मसल्स आए, और मसल्स आपकी प्रोटीन से आती है। जी जी, तो एग्स की लेने में कोई समस्या नहीं है आप? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर आप फैटी लिवर में ले रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। व्हाइट वाला, येलो वाला पोर्शन जो है उसको आप हटा के सफेद वाला जो पोर्शन होता है उसको, येलो पोर्शन हटा के सफेद पोर्शन को आप ले सकते हैं। फैटी लीवर की समस्या है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया है। अगला सवाल है डॉक्टर साहब शालिनी गुप्ता जी, इन्होंने बताया है कि हेपेटाइटिस के टीके लग चुके हैं फिर भी लीवर सिरोसिस हो गया है, तो क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली पहले तो ये पता करना चाहिए कि लीवर सिरोसिस हुआ किस वजह से, और सेकेंड चीज क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी का ही टीका उपलब्ध है, हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं है। कुछ रिपोर्ट देखनी होती है उसके बाद ही हम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसमें क्या है। और लेकिन अगर फुल ब्लोन सिरोसिस अगर हो चुका है तब तो फिर आखिरी इलाज तो ट्रांसप्लांट ही। इन्होंने लिखा है जिस तरह हेपेटाइटिस सी के टीके लगा चुके, तो आपने तो बताया हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं है, संभवतः इन्होंने हेपेटाइटिस बी, आपने हेपेटाइटिस सी शालिनी गुप्ता जी ने लगवाया होगा या आपके परिचित ने लगवाया होगा। और सिरोसिस अगर पॉसिबल है, अगर हो चुका है, तो एक बार कंसल्ट करना डॉक्टर से बहुत जरूरी है। क्या रीजन? बिल्कुल, आई थिंक हेपेटाइटिस बी का टीका लगा, सी का टीका तो अभी तक बना नहीं। बी लगवाया होगा लेकिन सी, इन कंफ्यूजन इनको रहा होगा कि हेपेटाइटिस सी का है। डॉक्टर साहब आज आपने एक युवाओं की बात की जहां वो फिटनेस बॉडी बनाने के लिए तमाम तरह के स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स कितना हानिकारक हो सकते हैं पेट लीवर या आपके गैस्ट्रो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत हानिकारक क्या हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए स्टेरॉइड जो होती है इट्स अ वंडर ड्रग। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग स्टेरॉइड का यूज करते हैं, पर स्टेरॉइड काफी सालों से इंक्लूडिंग काफी कुछ केसेस में तो एंटीबायोटिक से पहले स्टेरॉइड उपलब्ध है जो हम लोग यूज करते हैं। बट कभी भी इसका अनावश्यक इस्तेमाल करना यानी बिना किसी बीमारी के इस्तेमाल करना शरीर पे काफी असर डालती है। ये आपके पेट पे असर डालती है, आपको एसिडिटी अल्सर की समस्या हो सकती है, ये आपके लिवर पे असर डालती है, आपकी लिवर में डैमेज करके आपको जॉन्डिस कर सकती है, और सबसे जरूरी ये किडनी पे भी हानिकारक होती है। तो ऐसे जो युवाओं हैं जो आज की तारीख में स्टेरॉइड लेते हैं, इनको आज नहीं पता लगता है, लेकिन आज से 15 से 20 साल बाद कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जो 45-50 साल के होते हैं, जिनको कभी किन्होंने अल्कोहल नहीं लिया होता है, कोई और ड्रग्स नहीं ली होती है, जिनको हेपेटाइटिस भी नहीं होता, फिर भी इनकी लिवर और किडनी में खराबी आ चुकी होती है। तो ये सब कारण होते हैं जो युवावस्था में करने के कारण 15-20 साल बाद पता लगते हैं। तो कभी भी स्टेरॉइड या इन सब का इस्तेमाल कभी भी हमको एक्सरसाइज में, बॉडी बिल्डिंग में कभी नहीं यूज करना चाहिए। इनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग ये सारे स्टेरॉइड्स तो इंटरनेशनल लेवल पे बैन है। अगर कोई भी प्रतियोगिता होती है, फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स होता है, तो सबका पहले टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, डोप टेस्ट होता है। अगर ये सब स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं दे गेट बैन, उनको बैन कर दिया जाता है। जब उनको बैन कर दिया जाता है इन सब वजह से, तो फिर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बिल्कुल हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ट्रेडिशनल खाना खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, कई सारे हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स है जो मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको ले सकते हैं, या घर के ही जो हमारे खान पान है उससे भी आप प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। जी, यानी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना ही करें क्योंकि इसका साइड इफेक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। अगला सवाल डॉक्टर साहब मोहन तिवारी जी का, इन्होंने कहा है कि लीवर की प्रॉब्लम कई दिन से गुजर रहे हैं, साथ ही साथ हार्ट की भी समस्या है, आपसे दिखाना चाहते हैं आपको कहाँ मिले। अच्छा सीधा सवाल आपसे है कि आपसे कहाँ मिल सकते हैं, ये आपसे विजिट करना चाहते हैं मोहन तिवारी जी। मेहरगंज में ये है हर्ष गैस एजेंसी के सामने, समर्पण गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक। समर्पण गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक जैसा डॉक्टर साहब ने बताया मेहरगंज में हर्ष गैस है, उसके ठीक सामने, डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं, जाके रिपोर्टिंग करा, रिपोर्ट दिखा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो आज के समय में जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोगों के लाइफस्टाइल जीवन शैली की गड़बड़ी की वजह से तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। लीवर से रिलेटेड अगर समस्या है, पेट संबंधी समस्या, तो उससे कौन कौन सी और अन्य ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएं। देखिए, लीवर से जो दिक्कत होती है, जनरली एग्जांपल फॉर किसी को अगर लीवर सिरोसिस ही डेवलप कर जाता है, लीवर सिरोसिस हमारे किडनी पे भी असर डालता है, तो कई बार किडनी में भी डैमेज आ सकता है। सेकंड रीजन होता है, कई बार लीवर सिरोसिस जो होता है उससे हमारे खाने की नसें फूल जाती हैं, तो ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। कभी जी थोड़ा नेटवर्क की समस्या है, डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ कनेक्ट हैं, आपके तमाम सवाल का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब। जी 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 डॉक्टर साहब, यानी कि कभी कभी उनके हार्ट पे भी दिक्कत पड़ जाती है। जी जी, तो हार्ट पे भी इसके फर्क पड़ता है। कभी कभी लिवर सिरोसिस में आदमी बेहोशी की हालत में भी जा सकता है, तो ब्रेन पे भी असर पड़ता है। मीन्स लिवर की वजह से आपकी किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्टमक हो गया, इन सब पे भी असर पड़ सकता है और दिक्कतें आ सकती है। जी, अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि इन्होंने पूछा है, मिस्टर विकास जी ने पूछा है कि क्या लीवर की समस्या जेनेटिकल हो सकती है, लीवर की क्या प्रॉब्लम्स जेनेटिकल ट्रांसफर हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, जनरली बहुत रेयर बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से लीवर की समस्या पहले तो जेनेटिक होती है। जैसे कुछ एक बीमारी होती है, एक गिल्बर्ट सिंड्रोम नाम से बीमारी होती है, इसमें व्यक्ति को बार बार जॉन्डिस होता है। इसके अलावा आपकी कुछ डिजीजेस होती हैं जैसे BRIC बोलते हैं, काफ़ी थ्योरेटिकल डिजीजेज हैं, जनरली हमारे उसमें नहीं मिलती, हम लोग के क्षेत्र में जनरली नहीं मिलती है। जो एसिडिस हैं, गिल्बर्ट सिंड्रोम कुछ डिजीज हैं जो कि आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, बट इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जो जनरली ट्रांसफ़र हो। आमतौर पर लीवर की जो समस्या होती है वो खान पान, रहन सहन, आदत या फिर कोई नशे, इन सब की वजह से ज़्यादा होती है। जी जी, अगला सवाल है डॉक्टर साहब अनीता जी का, तमाम काफ़ी सारे सवाल हैं आपके और मैं कुछ इस सवाल दर्शकों मैं आपको स्किप कर रहा हूं क्योंकि जो सवाल दो तीन बार एक ही टॉपिक पे पूछे हैं दर्शक, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं, माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि वो सवालों का जवाब डॉक्टर साहब कई बार दे चुके हैं। तो अगला सवाल डॉक्टर साहब अनीता जी का है, इन्होंने पूछा है कि अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो क्या कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं? अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने पूछा है, कोरोना वैक्सीन के लिए। बिल्कुल, देखिए एक चीज बताना चाहेंगे, जो व्यक्ति हार्ट के मरीज होते हैं इनको कभी कभी खून पतला करने की दवाइयां चलती हैं। इस बीमारी के अलावा जितनी भी बीमारियां हैं आप सब में कोविड वैक्सीन ले सकते हैं, चाहे आपको कैंसर की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, कोई भी किडनी की बीमारी हो। इंक्लूडिंग अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले टीकाकरण जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, इनको पहले लगाया। अगला जो नंबर था वो 60 बरस के ऊपर या फिर बीमार व्यक्ति, उनको लगाया। जितने भी बीमार व्यक्ति, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, साथ में क्रॉनिक डिजीज से अगर आप परेशान हैं, तो आपको तो वैक्सीन तुरंत लेनी चाहिए, बिकॉज आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी उस बीमारी की वजह से कम है, तो आप लोग को कोविड होने के, सीवियर कोविड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय आम पब्लिक के। तो जिनको ब्लड थिनर्स नहीं चल रहे हैं, जिनको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं उनको डॉक्टर से अपनी सलाह लेने पे, और जिनको नहीं चल रहे हैं, जो आम बाकी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको बिना निसंकोच जो है कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी, यानी कि कोविड वैक्सीन के लिए जरूरी नहीं है कोई लीवर की समस्या है या कोई भी समस्या है तो आप वैक्सीन ना लगवाएं, बिल्कुल लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा सुझाव दिया है कि बस ब्लड थिनर्स के जो इश्यूज, अगर किन्हीं के साथ दवा चल रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन आप सभी लगवाएं, इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। डॉक्टर साहब, इन्होंने वैक्सीन के बारे में पूछा, मैं एक सवाल पूछता हूं कि कोरोना के इश्यूज जो होते हैं, क्या लीवर और पेट रोग से संबंधित जो पेशेंट्स हैं क्या उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं या उन्हें क्या तरीके की प्रिकॉशन रखनी चाहिए? देखिए, जनरली कोविड की जो अभी दूसरी लहर आई है, सेकेंड वेव आई है, इसमें हम लोग को गैस्ट्रो के पेशेंट्स भी बहुत मिल रहे हैं। पहली लहर में तो उतने हम लोग को नहीं मिले थे, लोगों को लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा था, बस अभी दूसरी जो लहर है इसमें खासकर पेशेंट्स को रिकरेंट पेन होना, डायरिया होना, उल्टी होना, गैस बनना, यानी जो आम गैस्ट्रो की कंप्लेंट्स होती है, खासकर
डायरिया और पेन के, इसके सिम्टम्स हम लोग को बहुत, प्लस ये तो ड्यूरिंग कोविड डिजीज की वजह से हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि इसकी कोई बहुत मेडिसिन नहीं आती है, बिकॉज इट इज एंटीवायरल, इट्स अ वायरल इलनेस। तो हम लोग जनरली कई बार एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट्स को डायरिया के लिए, पेन किलर्स दे देते हैं, बट वायरस का जब तक आपका संपर्क रहेगा, जब तक वायरस आपके शरीर पे है, पेट की समस्या थोड़ी लंबे समय तक इसमें बनी रहती है। तो कई बार ये पेशेंट को 10-10 दिन या 15-15 दिन भी ये समस्या झेलने को मिली है। सेकेंड चीज होता है पोस्ट कोविड, यानी कोविड खत्म होने के बाद। कई बार कोविड खत्म होने के बाद भी मरीज हमारे पास पेट की समस्या लेके, कभी डायरिया हो गया या फिर कभी पेट में दर्द हो गया या वॉमिटिंग की समस्या लेकर आते हैं। इसका होने का भी दो कारण मिला है। एक तो कभी कभी कुछ लोग जो हम लोग खासकर एंटीबायोटिक्स चल रही थी उसकी वजह से कभी कभी इफेक्ट्स रहते हैं। सेकेंड, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट भी हो सकते हैं। प्रॉपरली पोस्ट कोविड इफेक्ट है कि नहीं ये तो अभी कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज इट इज अ वेरी न्यू डिजीज। इसके बारे में तो अभी और रिसर्च की आवश्यकता है, बट एक हम लोग स्पेकुलेशन करते हैं कि नहीं पोस्ट कोविड भी कभी कभी पेशेंट्स को गैस्ट्रो की समस्या लंबे समय तक रह रही है। तो प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आफ्टर कोविड पहली बात तो डिहाइड्रेशन ना होने दें, लिक्विड कंज्यूम बहुत अच्छा करें। आप पानी है, जूस है, छाछ है, दही है, आप लिक्विड छील लें। एंटी ऑक्सीडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, दवाई तो खैर अपनी जगह एंटी ऑक्सीडेंट, बट हमारे जो ताजे फल हैं, सलाद है, इसका सेवन ज्यादा करें और सादा भोजन करें, यानी लो फैट डाइट लें। फैट जो होता है ये गरिष्ठ भोजन होता है, नॉनवेज होता है ये गरिष्ठ भोजन होता है, इसको पचाने में ज्यादा समय, ज्यादा मेहनत लगती है। तो कम से कम आफ्टर कोविड 20 से 25 दिन तक, 1 मंथ तक एटलीस्ट को अवॉइड करिए। आप हल्का सादा भोजन, घर का बना हुआ दाल चावल रोटी सब्जी फल सलाद, इसका सेवन करिए। दही का प्रयोग करिए, एक अच्छा प्रोबायोटिक होता है, पाचन में हेल्प करता है। मौसमी फल और जो मौसमी सब्जी है इसका प्रयोग करें, ताकि ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और जितने भी गरिष्ठ भोजन है इसको कम से कम 2 से 3 सप्ताह तो अवॉइड रखें पोस्ट कोविड। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब कि किस तरह से पोस्ट कोविड की चीज़ों को भी आप अवॉइड ना करें, उस पर ध्यान देते रहें और डॉक्टर से संपर्क करते रहें। डॉक्टर साहब अगला सवाल है इनका कि लीवर की प्रॉब्लम से 3 साल से जूझ रहे हैं और इनका SGOT और SGPT अप रहता है, आई साइट भी थोड़ा कमजोर है, तो क्या लीवर की प्रॉब्लम्स है कि आई, इनका SGOT एंड SGPT ये कोई टर्मिनोलॉजी है डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा कि अप रहता है तो इसकी वजह से इनका आई साइट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या लीवर की प्रॉब्लम से है? देखिए जनरली लीवर का जो हम लोग टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें दो एंजाइम होते हैं, SGOT SGPT होता है, ये लीवर से एंजाइम सेक्रेट्स होते हैं। जब ये रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि लीवर में हल्का फुल्का कोई डैमेज या इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो रही है। जनरली SGOT PT रेस होने के 3 कारण जैसे हमने पहले आपको बताया, अल्कोहल लेना, फैटी लीवर होना, हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन होना, या फिर कभी कभी कुछ एक ऐसी दवाइयां चलती हैं जिनकी वजह से भी ये रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको कारण देखना पड़ेगा कि किस वजह से ये रेस कर रहा है। सेकंड जो होता है, बहुत एक रेयर डिजीज होती है, विल्सन डिजीज होती है, उससे लीवर की समस्या पे आंखों पे फर्क पड़ता है, लेकिन उससे आंखों की रोशनी नहीं कम होती है। अगर आंखों की रोशनी आपकी कम हो रही है तो फिर आप एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट यानी कि आई के डॉक्टर को ही पड़ते हैं। लीवर से बहुत ज्यादा डायरेक्ट इसका संबंध नहीं, डायरेक्ट कोई संबंध ऐसा नहीं हो सकता, एक बार आप नहीं आंख के डॉक्टर को भी अपना एक संपर्क कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक टर्म जो आपने बताया लीवर सिरोसिस, और उसके साथ साथ एक आता है लीवर कैंसर, दोनों क्या समान है या कुछ अलग है? नहीं नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। लीवर सिरोसिस जो होता है वो लीवर में डैमेज हो रहा है, और लीवर कैंसर तो एक प्रकार का कैंसर है जो कि लीवर को पकड़ लिया है। लीवर कैंसर होने के कई बार देखा गया है, जिनको लंबे समय तक अगर लीवर सिरोसिस रहता है तो उसमें लीवर कैंसर डेवलप कर सकता है, बट जरूरी नहीं कि हर लीवर कैंसर के मरीज को लीवर सिरोसिस ही हो। कई बार जिसको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होता है, बी का इन्फेक्शन, खासकर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है, या कुछ एक और बीमारी होती है, इनमें बिना लीवर सिरोसिस हुए भी लीवर कैंसर डेवलप कर सकता है। या फिर देखा गया है कि कुछ एक जेनेटिक डिजीजेस होती है, उसमें भी कभी कभी लीवर कैंसर डायरेक्ट डेवलप कर जाता है बिना लीवर सिरोसिस हुए। तो दोनों का ट्रीटमेंट और इलाज काफी फर्क है, तो दोनों एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। जी जी, बेहद उपयुक्त जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। दोनों टर्म थोड़ा लोगों में कंफ्यूजन होता है कि शायद लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर एक होता है। आज इस संवाद शो के माध्यम से आपने इस
टर्म को, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो लीवर और पेट संबंधित समस्या है जिन्हें हमारे हजारों दर्शक अलग अलग प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बाद में भी रिव्यूज उस पर करेंगे। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये संवाद सार्थक हुआ है आज का। डॉक्टर साहब चूंकि समय की सीमा है और सवाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम सवाल लेते जाएंगे तो मुझे लगता है 2 से 3 घंटे का समय भी कम रहेगा, लेकिन आपको भी ओपीडीज में भी देखना है। तो मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, एक टिप्स के रूप में, डॉक्टर शेखर पुरी के टिप्स कि लीवर को कैसे मजबूत रखें, कैसे स्वस्थ रखें, तो टिप्स बाय डॉक्टर शेखर पुरी। देखिए सबसे पहले तो एक स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली का मतलब है समय से सोएं, समय से उठें, समय से खाएं, यानी कि निश्चित दिनचर्या का पालन करें, सुबह शाम टहलने की आदत डालें, और खासकर जो पेट के रोगी हैं, खासकर गैस के, कब्ज के, इनको तो खाने के बाद, आफ्टर भोजन, आफ्टर मील के बाद भी कम से कम 15 से 20 मिनट टहलना चाहिए। ड्रिंक्स प्लेंटी ऑफ वाटर, लिक्विड चीज का इंटेक बढ़ाएं। पानी ज्यादा पीने से आपको दो चीज मिलेगी, एक तो पेट में जो आपका एसिड बन रहा है ये डायल्यूट होता है, इसका असर, तेजाब का असर कम होता है। सेकेंड, आपको पेट साफ कराने में भी मदद होता है। खाने में हम लोग को फ्रूट्स है, सैलड्स है, वेजिटेबल्स है, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं हम लोग को बड़ा खुशनसीब होना चाहिए कि हम लोग जिस क्षेत्र में, जिस देश में रहते हैं, यहाँ तमाम तरह के फल, सलाद, हरी सब्जी हम लोग को मौसम में उपलब्ध रहते हैं, तो इसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। खासकर जो आपके पैस्टराइज प्रोडक्ट होते हैं, जो आपके मैदा बेसन के सामान होते हैं, या फिर जो रखे हुए सामान होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए ताज़ा या ताज़ा बना हुआ, मतलब बना हुआ भोजन करें, रखा हुआ भोजन ना करें। इसके अलावा जितने भी व्यसन होते हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, इन सबका जितना सेवन आप ना करें या कम से कम करें उतना ही बेहतर रहता है। थर्ड चीज है, अगर आपको कोई भी बीमारी हो, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये सारी जो बीमारियां हैं ये जनरली हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे जीवन शैली से संबंधित होती हैं, तो अगर हम अच्छा एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जीवन शैली को कंट्रोल कर रहे हैं, खान पान में परहेज कर रहे हैं, तो कई बार इन बीमारियों में ज्यादा दवा की आवश्यकता, या हो सकता है दवा की आवश्यकता भी आपको ना पड़े, आप इसको कंट्रोल कर सकें। तो अगर लिवर में आपको डैमेज प्रोटेक्ट करना है, मतलब डैमेज प्रिवेंट करना है, एक स्वस्थ लिवर लेना है, एक स्वस्थ जीवन शैली, अच्छा खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, बीपी शुगर का कंट्रोल, और फिर कोई भी एडिक्शन, कोई भी नशे से अपने को दूर। तो जी हाँ, आपने डॉक्टर शेखर पुरी के टिप्स जाने, ये ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप अपने पेट लिवर की समस्या को अपने तक आने नहीं देंगे। ऐसे सुझाव, ऐसे उपाय इन्होंने अपनाए बताए हैं जिसको अपना कर आप अपने लीवर को मजबूत रख सकते हैं। जी हाँ, अपनी आपकी लाइफस्टाइल और जो आपका खान पान है वो बहुत मायने रखता है आपके जीवन को सुधार को रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके प्रति कम से कम 150 लोगों का आभार यहाँ मिल चुका है, और मैं एक एक नाम अगर लेते जाऊँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं सारे दर्शकों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं, संवाद कार्यक्रम में आपने समय दिया, एक महत्वपूर्ण आज के ज्वलंत समय में, ज्वलंत मुद्दे पर आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, कैसे लीवर की समस्या, पेट की समस्या को पहचाने, किस तरह से उनको सिम्टम्स को आप जाने और क्या उपाय करें, किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रखें। एक हम चीज और बताना चाहेंगे अगर आप परमिशन दे तो, जैसे मेरे हमारे पास कई यंग एज के पर्सन आते हैं, और कई बार कई और भी लोग आते हैं जिनका अल्कोहल से रिलेटेड बड़ा सवाल होता है, जो अभी अभी हमारे दिमाग में आया। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर, जैसे हम अल्कोहल लेते हैं या सोशल ड्रिंकर हैं, हमें क्या लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कितनी अल्कोहल सेफ होती है, बड़ा कॉमन प्रश्न है आज के युवा भाई, कितना अल्कोहल सेफ है। तो देखिए, जो जनरली इस पर जो रिसर्च हुई है, जो मेडिकल डाटा है वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे US, UK में जो रिजल्ट हुई है, उनका ये कहना होता है कि एक जो आपका अल्कोहल का जो हार्ड ड्रिंक्स होती है, विस्की होता है, स्कॉच होता है, इसका जो पैक होता है वो 14 ग्राम्स का होता है। तो हफ्ते में आप जो है, मतलब पुरुषों के लिए एक दिन में 3 पैक आप 5 दिन तक ले सकते हैं, औरतों में 2 पैक आप 5 दिन तक ले सकते हैं। लेकिन ये जो डाटा है ये वेस्टर्न कंट्रीज का, वहाँ की क्वालिटी अलग होती है, वहाँ का रहन सहन अलग होता है, वहाँ का खान पान, प्लस वहाँ का जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत डिफरेंट होता है, वहाँ लिवर मेटाबॉलिज्म बहुत डिफरेंट है। इंडिया में हम लोग ने देखा है नो डोज इज सेफ, यानी ऐसी कोई डोज नहीं है, कोई भी आपको बोले कि 1 पैक 2 पैक प्रतिदिन या हफ्ते में ठीक रहता है। एज ए सोशल ड्रिंकर अगर आप 6 महीने 2 महीने पे ले रहे हैं,
बहुत कम क्वांटिटी में तो इट इज सेफ, बट इंडिया में रेगुलर में कोई डोज सेफ नहीं है, क्योंकि आपने कई बार खुद भी देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो कई समय तक लंबे समय तक पिए, उनको कुछ नहीं हुआ। कई लोग ओकेशनल पिए, दे गेट लिवर सिरोसिस, उनको सिरोसिस डेवलप कर गया। तो ये बहुत चीजों पे और भी डिपेंड करता है, आप किस क्वालिटी का लेते हैं, कब लेते हैं, खाने में क्या लेते हैं, आपका बॉडी का स्टेटस कहता है, साथ में आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। तो हम लोग तो रिकमेंड करते हैं नो डोसेस से ऑल टुगेदर, अगर छोड़ दें, बंद कर दें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसका अलग से कोई फायदा आपको नहीं है, तो उसको बंद करना होता है। और सेकंड चीज एक हम और क्लियर करना चाहेंगे, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, खासकर यंग जो है युवावस्था के बच्चे आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं सर हम अल्कोहल नहीं लेते, हम लोग बियर ले लेते हैं, तो बियर ऐसे अल्कोहल नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे, नॉर्मल जो आपकी हार्ड ड्रिंक्स होती है जैसे विस्की स्कॉच होता है, आपने देखा होगा ये 42.4 ग्राम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम होता है। 42.4% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि 100 ml में 42.5 ग्राम अल्कोहल होता है। इंडिया में एक स्टैंडर्ड पैग आपका 90 ml का होता है, अगर आप 3 पैग ले रहे हैं तो ये 90 ml हुआ अराउंड आपका 40 ग्राम आपने अल्कोहल ली। प्लस अब हम बियर पे आते हैं, इंडिया में जो बियर होती है वो 5% 8% 11% की मिलती है, जनरली 8% की कॉमन होती है। 8% बियर का मतलब होता है 100 ml बियर में, 100 ml बियर में 8 ग्राम अल्कोहल, एक जो बॉटल आती है वो 650 ml की आती है, तो एक तरह से आप 54 ग्राम अल्कोहल ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप बियर ले रहे हैं तो आप कम अल्कोहल ले रहे हैं, उल्टा आप उन सबसे ज्यादा आप ले रहे हैं, यानी एक बोतल की 54 ग्राम ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं सर हम अल्कोहल नहीं, हम बियर ले लेते हैं, तो ये उनको करना है, आपका लिवर उससे सुरक्षित नहीं है, ये डैमेज कर रहा है और डैमेज कर रहा है। ये चीज हमें मिसकंसेप्शन था बहुत ज्यादा, जो कई लोग बड़ा मिसकंसेप्शन और आपने जो बताया मिथ्स है लोगों के बीच में सोशल ड्रिंकर्स में या यंग एज में कि हम एक पैग लेते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ्स इस चैनल के माध्यम से आपने दर्शकों को बताया कि किसी भी तरीके की अगर आप इस्तेमाल करते हैं ड्रिंक्स को तो वो हानिकारक है ही, किसी तरीके से वो आपको कम मात्रा लें या ज्यादा मात्रा लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हानिकारक है। जी डॉक्टर साहब, जी, तो ये दो चीज हम बताना चाहते थे। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मुझे लगता है इससे तमाम दर्शक हमारे जो है, एक दर्शक ने पूछा है कि तो डॉक्टर साहब बंद नहीं होता तो कैसे कंट्रोल कैसे करें इसका मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो कैसे करें उसको। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली ना हम लोग पहले देखते हैं कि जो डिपेंडेंसी जिसको निर्भरता बोलते हैं ये दो प्रकार की होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है एक फिजिकल होती है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि अगर आप अल्कोहल छोड़ रहे हैं तो आपको अंदर से घबराहट बेचैनी हो रही है, आप बेचैन हो जाते हैं, आप पी नहीं पाते हैं। साइकोलॉजिकल जो दिक्कतें होती हैं जनरली अगर आदमी अपना मन कठोर करता है, साथ में घर परिवार वाले भी मदद करते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। मैक्सिमम लोगों को साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज्यादा होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में काफी लंबे समय तक पी रहा है तो ऐसे लोग को फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है, यानी अगर ऐसे व्यक्ति के हम अल्कोहल तुरंत बंद कर देंगे तो इनको एकदम से दिल की बीपी बढ़ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना होना, कभी कभी दौरा पड़ने की, बेहोशी जाने की स्थिति में आने लगते हैं। ऐसे मरीज को अल्कोहल कभी भी एकदम से बंद नहीं कराई जाती है, इनको हमेशा जो हमारा डी एडिक्शन सेंटर होता है जिसको हम लोग नशा उन्मूलन केंद्र बोलते हैं, हमेशा डॉक्टर निगरानी में बंद कराते हैं। प्लस इसके लिए कुछ अलग से दवाइयां आती हैं जो कि प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद की आपकी डिपेंडेंसी किस हद तक है और किस प्रकार की है उसको शुरू किया जा सकता है। बट सबसे जरूरी चीज है अपार्ट फ्रॉम दवाई अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग, पहले अपना मन कठोर करना बहुत जरूरी है। आप अगर स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, मन कठोर नहीं करेंगे तो फिर कोई भी मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत स्वयं से होती है, पहले आप स्वयं कोशिश करें, बाद में तो कई सारी दवाइयां, कई सारे काउंसलर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं इस प्रकार के जिसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। एक सवाल अमृता जी ने भी पूछा है कि व्हाट टू ईट टू मेक आवर लिवर हेल्दी, तो अमृता जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे इस पर आप। देखिए अलग से कोई ऐसी विशेष डाइट नहीं आती है कि जो लिवर को हेल्दी बनाते, नॉर्मली जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा हम लोग को फैटी चीज को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एक्सेसिव जो फैट होता है कोलेस्ट्रॉल होता है ये लिवर पर डिपॉजिट होने लगता है। और फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं ये सब लो कैलोरिक डाइट्स होती हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स होते हैं, ये सब ज्यादा बेनिफिट आपको करता है। तो फैटी चीज को अवॉइड करिए, अच्छा प्रोटीन डाइट, अच्छे आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स की डाइट को लें, यही आपके लिए बहुत है। अलग से कोई जो बहुत मेडिसिन आती हैं उसको लेने की आपको जरूरत नहीं।
अगर आप नॉर्मल घर का खाना खा रही हैं, स्वस्थ खाना खा रही हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं, तो दैट विल बी इनफ। अलग से कोई सप्लीमेंट की आपको जरूरत? जी हाँ, सप्लीमेंट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती आपकी लीवर हेल्दी रखने के लिए। आपके आसपास तमाम ऐसे फल मौजूद हैं, तमाम ऐसे भोजन के आपके सिस्टम ऐसे मजबूत हैं जो आपके लीवर और आपके शरीर को मजबूत रख सकते हैं। लाइफस्टाइल के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि लाइफस्टाइल जरूरी है, व्यायाम लोगों को करना जरूरी है, तमाम ऐसी जानकारियां आपने दी। बहुत एक हम लोग का एक घंटे का सेशन पहुंच चुका है डॉक्टर साहब, ये एक लंबा सेशन हम लोग का हो चुका है और आपके भी कमिटमेंट्स हैं, मैं हम लोग उसको ध्यान रखते हुए हम इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर तमाम और सवाल हैं, हमें उम्मीद है कि आपका एक सेशन जरूर दर्शकों के बीच में पुनः होगा और तमाम इनकी जिज्ञासाएं भी पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपके इस अनमोल विचार, अनमोल सुझाव और अनमोल जो जीवन में लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, हमारे दर्शकों को सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संवाद कार्यक्रम में उपस्थिति होने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर साहब ने एक तमाम ऐसी जानकारियां दी पेट और लीवर रोग संबंध में, जिससे आप अपने जीवन में अपना के अपने पेट और लीवर को मजबूत बना के रख सकते हैं। किस तरह से आपकी मिथ्स हैं कि शराब पीना या बियर पीना हमारे लिए कितना लाभदायक हानिकारक है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ कौन सी सी समस्याएं आज के समय में है जिसको आपको भविष्य में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कभी भी लीवर की समस्या, पेट की समस्या ना हो। तो तमाम हमारे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे जिज्ञासाएं हैं जो इस संवाद के माध्यम से हम आपके माध्यम आपकी समस्याएं हम रखते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के बीच। तो अगला कार्यक्रम के लिए हम मुझे अलविदा कहें, साथ ही साथ AMS न्यूज प्लस आवाज समाचार के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब के इस तमाम विचार को आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से तमाम कार्यक्रम को। तब तक अगले कार्यक्रम के लिए इजाजत दें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।